hello what's up beautiful people welcome back to my another video myself irfan ahmad today in this video we will discuss about what are hydro meteorological disasters what are its impacts and mitigation measures before starting the video i have a little request if you are new here please subscribe the channel for such amazing videos so let us start our video what are hydro meteorological disasters

क्लाउड बर्स्ट ड्राट्स एंड अदर इवेंट्स इवेंट का वाटर रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से डिजास्टर्स आते हैं हैंजिकल डिजास्टर्स से जैसे फ्लड आता है साइक्लोन आता है क्लाउड बर्स्ट ड्राटस और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो वाटर रिलेटेड हो तो ये सब आते हैं हाइड्रो डिजास्टर्स में नाउ वाट आर द इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो डिजास्टर्स हाइड्रो डिजास्टर्स इनकलूड फ्लड्स ड्राटस हरिकेन Have on and our जो हाइड्रोमि फ्लडस इन पे सिग्निफिकेट इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटीज पर इकोनॉमी पर और इको so सिस्टम पर सो so, पहला इम्पैक्ट है्यूमन इम्पैक्ट हम इंसानों पर कैसा असर पड़ता है इसका हाइड्रोमीटियोलॉजिकल डिजास्टर्स कैन लेट टू द लॉस ऑफ लाइफ इंजुरी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल जब भी कोई हाइड्रियोमिट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर आता है उसे एक इंसान की जान जा सकती है या इंजरी आ सकती है और डिस्प्लेस मूवमेंट होता है मूवमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लड्स फॉर एग्ज़ाम्पल कैन कॉज ड्रोनिंग इंजरीज फ्राम डिब्रस एंड वाटर बोर्न डिजीज फॉर एग्ज़ाम्पल हम भी कहते हैं फ्लड उसे जब फ्लड आता है बहुत सारे लोग डूब जाते हैं इंजरीज आती हैं उस डिब्रस से और बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज भी उठती है दूसरी एग्जाम्पल है हरिकेनस एंड साइक्लोन्स। हेरूकेंस एंड साइक्लोन्स कैन रिजल्ट इन स्ट्राम सर्जिस एंड लैंडस्लाइड्स। और जैसे साइक्लोन्स आते हैं हरिकेनज आते हैं उनसे भी लैंड आता है और उसका इम्पैक्ट भी उसका असर भी ह्यूम पर बहुत बुरा होता है अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है दीज डिजास्टर्स ऑफन कॉज एक्सटेंसिव डेमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड ब्रिजेस बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चरल लैंड और जब भी कोई हाइड्रोमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स आता है वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है जैसे रोड्स ब्रिजेस बिल्डिंग्स एंड ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड भी डैमेज हो सकती है इसकी द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड रिबिल्डिंग कैन सस्टेंशियल स्ट्रेनिंग गवर्नमेंट बजट एंड हिंडरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो उनका कॉस्ट फिर रिपेयर और रिबिल्ड करने का आता है जो भी जो भी डैमेज हुए रोड्स रेलवे और एग्रीकल्चर लैंड में वो एक हिंडर पैदा कर देती है रुकावट पैदा कर देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी रीजन में जिसमें हाइड्रोमीटियालॉजिकल डिजास्टर आया हो एनवायरमेंट इंपैक्ट एनवायरमेंट पर कौन सा असर पड़ता है हाइड्रोमीटलॉजिकल डिजास्टर्स कैन कैन बी लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस फ्लड्स कैन लेट सेडमेंटेशन ऑफ रिवर्स लेक्स एंड कॉन्टेमनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स और एनवायरमेंट पर भी बहुत ही लॉन्ग समय तक जब भी कोई मीटिरोलॉजिकल डिजास्टर आता है उसका जो असर है वो बहुत ही लॉन्ग समय तक रहता है एक एनवायरमेंट पर जैसे फ्लड कैन लेट द सेगमेंटेशन ऑफ रिवर्स और जैसे कभी फ्लड आया हो वो अपने साथ रिवर्स और लैक्स रिवर्स और लैक्स के सीडमेंट भी ले जाता है और जो पीने के लायक पानी होता है वो कुछ नहीं रहता तो ये होता है एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मिट्योरॉजिकल ऑर्गनाइजेशन मेट्योलॉजिकल वर्ल्ड मिट्योरॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वेदर क्लाइमेट एंड द वाटर ओवर टू फॉर अबाउट ऑफ डिजास्टर्स एट ग्लोबल लेवल और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो जो भी वेदर क्लाइमेट और वाटर हज़र्डस हुए पास्ट फिफ्टीन ईयर्स जो भी वेदर क्लाइमेट से या वाटर हज़र्ड्स आए हैं पिछले पचास सालों से लगभग नाइनटीन सेवेंटीज टू थाउजेंड तक उन्होंने उनमें से फिफ्टी परसेंट जो डिज़ास्टर्स थे वो वाटर डिज़ास्टर्स थे वो वो हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल डिजास्टर्स थे उनमें से फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ रिपोर्टेड डेथस और इन डिजास्टर्स से 45% फाइव परसेंट डेथस हुई हैं एंड सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ द इकोनॉमिक लॉस और सेवेंटी फोर परसेंट इकोनॉमिक लॉस हुआ है अकॉर्डिंग टू द मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नाउ मिटिकेशन मेजर्स फॉर मीटियोलॉजिकल डिजास्टर्स हाइड्रो मीटिलॉजिकल डिजास्टर्स कौन कौन से मेजर्स हो जिनसे ये इम्पेक्ट ये जो असर होता है हाइड्रो मीटिलॉजिकल डिज़ासटर्स का जो डेमेज होता है वो किस कुछ हद तक कैसे कम करें हाइड्रो मीटिलॉजिकल डिजास्टर्स कैन बी मिटिकेटेड बाई यूजिंग फॉलोइंग और नीचे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं उनसे हम कुछ हद तक इसका जो इम्पेक्ट है वो कम कर सकते हैं फर्स्ट अर्ली वार्निंग सिस्टमस हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए जब भी लगे कोई मेटियोलॉजिकल डिज़ास्टर आया है हमें पहले ही पता लगनी चाहिए सेकंड स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स मीनस जो हमारी रोडस रोड स्लोप्स होते हैं जो हमारे ब्रिजेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में बनाने चाहिए और अवेयरनेस नॉन स्ट्रक्चरल मीनस हमें अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना चाहिए तो उसके भी कुछ हद तक जो इसका इम्पैक्ट है वो कुछ कम हो सके थर्ड सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग हमें सैटेलाइट का यूज करके उन एरियाज को नजर रखनी चाहिए जो जिन जिनका जो इम्पेक्ट है जिनका जो उनका जो थ्रेट होता है ज्यादातर आने का मिटोरोलॉजिकल फोर्थ लैंड यूज पैटर्न हमें जो अपनी लैंड है वो सही से सही से इस्तेमाल करनी चाहिए इस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए हमें अपनी लैंड के कि किसी भी नेचुरल एलिमेंट पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े सिक्स इकोनॉमिक बेस्ड अप्रोचेस हमें एनवायरनमेंट का यूज़ करके या एनवायरमेंटल का खास ख्याल के उनसे भी स्टेप्स लेने चाहिए किस तरह इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ हद तक कम हो सके जैसे कि डिफॉरेस्टेशन से हमें वो फ्लड्स कम हो सकते हैं इसी तरह बाकी भी सिक्स्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइलेंस हमें जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बिल्डिंग्स हैं वो हमें प्लान और प्रेपियर के साथ बनानी चाहिए ना कि ऐसे ही बना दी जो तो उसे भी कुछ हद तक इम्पैक्ट कम हो सके सेवेंथ एंड द लास्ट वन रिस्क एनालाइज़ हमें रिस्क एनालाइज़ करना चाहिए किस जगह पर कितना रिस्क है आ सकता कितने है कितने चांसेस हुए हैं कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन हमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए और विजुअल visual, विजुलाइज़ करना है किस जगह पर थ्रेट ज़्यादा मत है किस जगह पर कुछ कम मत है विजुलाइज़ करना है हर एक एरिया तो ये थे कुछ मिटीरोलॉजिकल डिजास्टर्स के मिटिगेशन मेजर्स सो हुआ है आज का ये जो टॉपिक था मिटोरोजिकल मेजर्स हाइड्रो मिटोरोलॉजिकल डिजास्टर्स हमने पढ़ा ये क्या होता है इसका इम्पैक्ट हो किस तरह से इसका जो मिटिगेशन मेजर्स हो इसका इम्पैक्ट कम हो सके नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे बहुत सारे मिट्योलॉजिकल डिजास्टर्स हाइड्रोमिटोलॉजिकल डिजास्टर्स लाइक फ्लड ड्राट साइकलोन के बारे में अगर आप बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट चेक करें वहाँ सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स वीकेस के हिसाब से मिल जाएंगे सो प्लीज़ चेक द प्ले लिस्ट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो